यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने किया था कुछ प्रश्न, 5 तक हमने कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे पुनरावृत्ति रिवीजन में ही। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। पूर्ववर्ती मीन्स पहले। देखिए जैसे क है, इसमें 145, तो 145 से पहले कौन सा नंबर आता है, कौन सा आता है? अगर आपको गिनती आती है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए 144। फिर है आपका 336। 336 से पहले कौन सा नंबर आता है? 335, ठीक है। 741 से पहले कौन सा आएगा? 740। 579 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 588। आया समझ में? फिर है आपका प्रश्न 7, निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरावर्ती संख्या लिखो। उत्तरावर्ती मीन्स आगे की संख्या। क्या है आगे? कौन सा नंबर आएगा? जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, इसमें तो क्या है बिफोर और ये क्या है आफ्टर, बाद में। अब देखिए 138 है, तो 138 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 139। फिर है 748 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 749। फिर है 328। 328 के बाद में 329। 881 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 882, ठीक है। प्रश्न 8 है, पंकज की दुकान में 223 कॉक, 341 लिमका और 189 पेप्सी की बोतलें हैं। दुकान में कुल कितनी बोतलें हैं? पंकज की दुकान, उसमें 223 तो कॉक की बोतलें हैं, लिमका की 341 और 189 पेप्सी की बोतलें हैं। तो दुकान में कुल कितनी बोतलें हैं? तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे? पंकज की दुकान में पहले लिख लिया, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कॉक की बोतलें। कितनी है? 223। फिर है लिमका की बोतलें, लिमका की बोतलें कितनी है? लिमका की बोतलें 341। पेप्सी की बोतलें, पेप्सी की बोतलें, पेप्सी की कितनी है? 179। अब हमें इसको क्या करना है, पेप्सी की दुकान में कुल कितनी बोतलें हैं और हमें क्या मालूम करना है कितनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ना है, तो हम काय का साइन लगाएंगे? प्लस का। आप देखिए 9 प्लस 1 10 और 3 13, 13 तो क्या हुआ, 3 यहाँ गया और 1 हासिल। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल 1। अब 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, कुल कितनी हो गई बोतलें? 753। यहाँ लिखेंगे कुल बोतलें, क्या आ गया? कुल बोतलें, ठीक है। तो पंकज की दुकान में कितनी बोतलें हुई? 753 बोतलें, ठीक है। थैंक यू।